सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है मार्केट का ट्रेंड जो होता है उसको आप पता कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पैसा बनता है वो सारा ट्रेंड का ही पैसा बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मार्केट कैसा भी हो, आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप जो है मार्केट का ट्रेंड आसानी से पता कर सकते हो। मार्केट में अगर आपको ट्रेंड पता चल जाएगा ना, तो आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने वाले हो। तो अब हम यह समझते हैं कि किस तरीके से, क्या चीज़ हम यूज़ करके बड़े ही आसानी से हम लोग हर दिन ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। आज हमने जो ट्रेड लिया था मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था और आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। तो मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आप इसमें नहीं ज्वाइन हो तो अभी तक ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहा होगा। इसके अंदर में आपको डेली का फ्री अपडेट मिल जाता है, साथ में जो भी लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है वो मैं ट्रेडर्स के साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमने आज ट्रेड लिया था। पहला जो हमारा ट्रेड था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रेड था प्रीमियम ग्रुप में, जो कि हमने 43 रुपये पे लिया था और ये हमारा जो है 112 रुपये के लगभग इसने हाई लगाया था, ठीक है। उसके बाद में जो हमने ट्रेड लिया था ये हमारा था 44,400 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का, जो कि हमने 34 रुपये पे लिया था और इस ट्रेड ने 77 रुपये का हाई लगाया था, ठीक है। तो आई होप कि आपने भी इस मोमेंट को कैप्चर किया होगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि आपको जब भी मार्केट में मौका मिलता है आपको ट्रेड करने का, आप ट्रेड एंट्री बनाने का, तो आप किस तरीके से पहले आप ट्रेंड को पता कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं जिससे आप मार्केट को काफ़ी हद तक प्रेरित करने वाले हो। अब सबसे पहले देखो क्या करना होता है, मार्केट का एक नेचर होता है, मार्केट आपको हमेशा चाहता है कि आप मार्केट से एग्जिट करो, ठीक है। आपको पे नहीं करेगा, मार्केट आपको हमेशा चाहेगा कि आप उसमें से एग्जिट करो। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह है, तो आप अपने आप पैसे बना लोगे। अब कैसे बना लोगे, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट जो है इस तरीके से खुलता है, नीचे बनती है ये कैंडल एक बड़ी सी और उसके बाद में ये नीचे आ जाता है, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। अब देखो यहाँ पे जो कॉल वाले ट्रेप हुए ना वो किस तरीके से हुई है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि किस तरीके से वो लोग ट्रेप हुए हैं जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल की पोजिशन बनाई है। अब देखो बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना उनको क्या लगा, यहाँ पे डब्लू पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग डबल टॉप भी बोलते हैं, सॉरी डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा कि डबल बॉटम इसने बनाया है। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना ली होगी, तो यहाँ पे जो कॉल वाले थे ट्रेप हो गए, ठीक है। बचे कुछ थे वो क्या किया कि जैसे ये वाला जो यहाँ पे ये स्विंग था तो ये क्या हुआ, जैसे ब्रेक हुआ तो इसका ब्रेक होने के बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा। अब यहाँ पे सारे जो कॉल वाले थे ना ये ट्रेप हो गए, ठीक है। देखो पहले मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीका है। मार्केट यहाँ पे था ना, जब यहाँ पे तभी मैंने ट्रेडर्स को बोल दिया कि यहाँ पे जो है मार्केट गिरने वाला है, मार्केट का बीरिस जो है सेंटीमेंट बना हुआ है, कौन सा बीरिस सेंटीमेंट बना हुआ है, तो ये मैंने ट्रेडर्स के साथ में पहले ही शेयर कर दिया था। मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारी चीज़ें भी फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट करी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टॉप है मार्केट हालांकि ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, तभी मैंने ट्रेडर्स को बोला कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अब कैसे गिरने वाला है वो चीज़ देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते ना, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे लगातार आपको देखने को मिल रहा था कि जो कॉल राइटर्स थे ना, ठीक है, जो पुट राइटर्स थे वो धीरे धीरे निकल रहे थे और जो कॉल राइटर्स थे, ठीक है, जो कॉल राइटर्स थे यानी कि ओपन इंटरेस्ट किसका, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा था, लगातार लगातार ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, कॉल को सेल किया जा रहा है, ठीक है। अब सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ से क्या है, बीरिश है, और यहाँ से बीरिश है इसका मतलब यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए कहीं ना कहीं, ये वाला जो लेवल है इसके आसपास में। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला, एक बड़ी सारी कैंडल बनती है, उसके बाद में ये कैंडल यहाँ देख सकते हो बड़ा अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो सारा होता है मार्केट का खेल, ये होता है एक रिटेलर ट्रेडर को डराने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, मार्केट आपको पेने करेगा ताकि आप उसमें से निकल कर चले जाओ। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप मार्केट को काफ़ी हद तक
पता कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताई है कि आपको क्या करना होता है। यहाँ पे आओगे तो ये वाला जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको ये दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो फिबोनाची का आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेंड है इस वाली सिचुएशन में, ये हमारा कौन सा हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर की साइड में गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर की साइड में गया है, तो हम लोग यहाँ से अप ट्रेंड इसको मानते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड इसको मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिबोनाची होता है इसका रूल ये होता है कि हम लोग यहाँ से बॉटम से लाएंगे और टॉप तक लेके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट इसी लेवल पे मैंने आपको बताया था कि 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल होता है ये हमारे लिए कौन सा होता है, गोल्डन लेवल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गोल्डन लेवल होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी गोल्डन लेवल के ऊपर में क्या होता है, आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट इसके ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख जाता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको जो है यहाँ पे इसके ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर में यहाँ पे सपोर्ट है, ये ऊपर की साइड में निकल जाता तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट जो है नीचे की साइड में कंटिन्यूसली ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे ये क्या बनाता है, अपना सपोर्ट बनाता है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनती है। तो पहला आपको यहाँ पे देखना है फिबोनाची रूल, ठीक है। तो फिबोनाची से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि ओपन इंटरेस्ट किस तरफ बता रहा है, आपको हमेशा ओपन इंटरेस्ट को देखना है, कॉल साइड में बता रहा है या फिर पुट साइड में बता रहा है, ठीक है। तो मैंने जो कंप्लीट वीडियो बनाया था ऑप्शन चेन वाले में, उसमें भी आपको बताया था कि अगर कॉल वाला ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं ब्रिज बन रहा है, ठीक है। इनका जो आज कॉल राइटर्स थे लगभग 70 लाख के आसपास में, जब ये मूवमेंट यहाँ पे बन रहा था मार्केट हालांकि ऊपर जा रहा था, ठीक है। सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉल बाई कर रहे थे, लेकिन मैंने ट्रेडर्स को बोला कि यहाँ पे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो कैसा बना हुआ है, बीरिश बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे वो लगातार यहाँ पे क्या बढ़ रहे थे और जो पुट राइटर्स थे वो लगातार यहाँ पे क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पे कॉल को सबसे ज़्यादा सेल किया जा रहा है सेलर्स के द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं गिरने वाला है। उसके बाद में आप देख सकते हो बड़ी सारी कैंडल आती है और ये पूरा मार्केट को नीचे लेके आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मार्केट में फॉलो करते हो, अगर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि हर दिन आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी ट्रेड करते हो तो उसमें आपको OI जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके ऊपर मैंने भी आप सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है ऑप्शन चेन के ऊपर में, ठीक है। तो उसको भी आप जरूर देख सकते हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जिक्र किया हुआ है, उनको भी आप देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है एक तो, ठीक है, ये हो गया, और दूसरा हमारा होता है OI, ठीक है। बस ये दो चीज़ें आपको देखनी है और आप मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जो भी आप ट्रेड प्लान करते हो उससे पहले अगर आप इसको देख लोगे तो आप काफ़ी हद तक, ठीक है, यानी अगर आप ट्रेड करते हो तो जो आपकी एक्यूरेसी होगी ना वो काफ़ी लेवल तक बढ़ने वाली है, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लेते हो तो इन दोनों को यूज करके देखना और उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान करना और उसके बाद में अपना रिजल्ट देखना, बहुत ही जबरदस्त आपको अद्भुत रिजल्ट जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो ना तो वहाँ पे आपको मार्केट का ट्रेंड अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये दो चीज़ आपको यूज़ करनी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक हमारा होता है ओपन इंटरेस्ट। बस इन दोनों का यूज़ करके बड़े ही आसानी से आप किसी भी ट्रेड में ट्रेंड को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही छोटा कराया मैंने, बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ, जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको समझाती है। और बाकी किसी नए वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं।